कि बच्चों को आई वड़ी का दबाव तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनका स्वतंत्र मत है, वो आई वड़ी को स्वीकार करना चाहिए। बच्चों के ऊपर आई वड़ी अपना मत थोपते हैं ना, बहुत त्रासदायी होता है। जैसे आई बोलती है कि तुझको डॉक्टर होने का, वड़ील कहते हैं नहीं इंजीनियर होने का, फिर काका बोलता है नहीं साइंटिस्ट होने का। अब वो बेचारा एक है, कैसे इंजीनियर, कैसे डॉक्टर, कैसे साइंटिस्ट होने का। आई वड़ील की समस्या ये है कि जो अपनी जिंदगी में वो हो नहीं पाए वो अपने बच्चों को करवाना चाहते, तो ये मत उनके ऊपर मत डालिए, उनको स्वतंत्र रूप से अपना फैसला करने दीजिए। एक दूसरा, आप जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शाला भेजते हैं, तो स्कूल और शाला का चुनाव ऐसा करिए जहां पर होमवर्क ना दिया जाए, क्योंकि होमवर्क देने से बच्चे बिल्कुल खराब होते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे गधे होते हैं, गधा होता गधा, उसके ऊपर बोझा लादते जाओ लादते जाओ लादते जाओ, तो बोझा तो लेके जाता है लेकिन उसका अपना मेंटल डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो जो बच्चे ज्यादा होमवर्क करते हैं, क्लास का भी होमवर्क है, ट्यूशन का भी होमवर्क है, फिर आई बाबा का भी होमवर्क है, उनका जिंदगी नरक हो जाएगा। और इतना होमवर्क कर करके वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो होमवर्क में उनको सिखाया जा रहा है वो जीवन में काम नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि स्कूल ऐसा हो, शाला ऐसी हो जहां होमवर्क ना मिले, और अगर ज्यादा होमवर्क वो दे रहे हैं तो शाला के जो टीचर हैं उनको आप ये शिकायत करिए कि हमको जाती होमवर्क नहीं होना, तो वो कहेंगे अपने बच्चे को निकाल लो, तो निकाल लेने का, और वो जो नगर परिषद का स्कूल है ना उसमें भर्ती करने का, जिला परिषद के स्कूल में भर्ती करने का। फिर आप कहेंगे वहां पे पढ़ाई नहीं होती, कुछ कम पढ़ाई होती है लेकिन वहां के बच्चे ब्रेन से बहुत तेज होते हैं। मैं आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की माहिती देता हूं, वो जिला परिषद के स्कूल में पढ़े, स्कूल गांव का था तो ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़े, बाद में जिला परिषद के स्कूल में पढ़े, फिर नगर परिषद के स्कूल में पढ़े, कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े, और वो भारत के इस समय सबसे बड़े वैज्ञानिक। मेरा आपको ये बताने का है कि पढ़ाई से वैज्ञानिक होने का कोई संबंध नहीं है, वैज्ञानिक होने का संबंध माइंड से है। आपका माइंड कितना फ्री है, जो चिंतन कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, उस पर से साइंटिस्ट होना होता है। ज्यादा पढ़ाई करके, बहुत होमवर्क करके कोई साइंटिस्ट दुनिया में कभी नहीं हुआ। आइंस्टाइन का नाम सुना आपने, न्यूटन का नाम सुना, ये सब स्कूल छोड़कर भागे हुए थे, मालूम है। आइंस्टाइन कक्षा 9 में भाग गया शाला छोड़ के, क्योंकि होमवर्क कराते थे और वो होमवर्क उसमें उसको रस नहीं आता था। न्यूटन भाग गया शाला छोड़ के कक्षा 8 में, और इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, मैक्स प्लैंक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कक्षा 7 से ही स्कूल छोड़ के भाग गया था। तो ये स्कूल छोड़कर भागे हुए बच्चे बड़े साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो फ्री थिंक कर सकते हैं, स्वतंत्र चिंतन उनका होता है। स्कूल में तो इतना रद्दी है सब कुछ कि वो ना पढ़ने का दिल करता है, वो पढ़ाते कैसे हैं मुझे तो हैरानी ये होती, सब बकवास 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 उसमें पढ़ाते रहते हैं। उनको माहिती है टीचर को कि ये काम नहीं आएगा, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पगार मिल रहा है और उनका टाइम पास हो रहा है। बच्चों का क्या हो रहा है इसका किसी को कुछ मतलब नहीं। आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, थोड़ा बच्चा स्वतंत्र सोचने के लिए तैयार हो, खेले कूदे दौड़े भागे ये सब करे और फ्री माइंड हो उसका, ऐसी शाला में उसको भर्ती करें। वो शाला मराठी माध्यम की है तो बहुत अच्छा, अंग्रेजी माध्यम में कभी भर्ती मत करें, क्योंकि बचपन से अंग्रेजी माध्यम का इतना त्रास होता है बच्चे पर कि वो अपनी जिंदगी में सबसे जास्ती समय बर्बाद करता है ट्रांसलेशन में। आपके घर में मराठी है, घर में घर के बाहर मराठी है, सब जगह मराठी है, शाला में अंग्रेजी है, तो वो अंग्रेजी कैसे सीखेगा, मराठी के माध्यम से सीखेगा। तो हर बार अंग्रेजी से मराठी भाषांतर करेगा, मराठी से अंग्रेजी भाषांतर, इसी में जिंदगी का सारा समय निकलने वाला है। तो 5वीं कक्षा तक तो मराठी भाषा ही सिखाई, जब उसकी वय 10-12 वर्ष से ऊपर हो जाए तब अंग्रेजी भाषा सिखाने का थोड़ा सा प्रयास करिए, वो भी माध्यम के रूप में नहीं भाषा के रूप में।
अंग्रेजी माध्यम तो कभी अच्छा नहीं है, भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाई है उतना चलेगा। इस स्पर्धा में कभी मत लाइए अपने बच्चों को, और अपने बच्चों से किसी का कंपटीशन मत करें। जैसे कई बार आप बच्चों को बात करते हैं ना, तो किसी का उदाहरण देते हैं, देखो उसका 90% अंक आता है, 90%, तुम्हारा 70% आता है। ये बात कभी भी उसके सामने मत करें। क्यों नहीं करें? हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, विशेष है। जिसका 90% मार्क्स आता है ना, उसकी जिंदगी की दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं मालूम है, और आपके बच्चे को जिसको 50% आता है उसको मालूम है। जैसे आपका बच्चा है उसको ज्ञानेश्वरी माहिती है, लेकिन जो 90% वाला उसको माहिती नहीं ज्ञानेश्वरी क्या है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसलिए दो बच्चों का आपस में कभी भी कंपैरिजन मत करिए, तुलना मत करिए, और एक दूसरे बच्चों को इससे प्रेरित मत करिए, उसका इतना आता है तो तुम्हारा आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसका जितना आता है उतना ठीक है। आप कभी भी उसको ऐसे करके मत टोकिए कि उसका इतना आया तुम्हारा इतना कम आया, वो तो इतना नंबर लाया तुम्हारा इतना कम, कभी मत करिए। इस स्पर्धात्मक उसमें भाग उनको लेने दीजिए, लेकिन इस दृष्टि से लेने दीजिए कि वो खेलकूद है, ये नहीं कि उसमें उसको मेडल मिले या उसको ट्रॉफी मिले। मिले तो ठीक है, नहीं तो उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ, देखिए योग्य मार्ग आपको खुद भी नहीं मालूम है, मैं आपको सच बताता हूं। आई बाबा जो अपने को सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं वो योग्य मार्ग है, आपका मार्ग योग्य इसलिए नहीं है कि आपके ऊपर समाज का दबाव है। समाज का ये दबाव है, समाज ऐसा सोचता है आजकल कि या तो सबको डॉक्टर होना चाहिए, या तो इंजीनियर होना चाहिए, या तो MBA करके किसी को मैनेजर होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। इसके अलावा भी समाज में बहुत कुछ है। शेतकारी क्यों नहीं होना चाहिए उसको, कष्टकारी क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम जो सोचते हैं वो समाज के दबाव में सोचते हैं, समाज वो जिसके आसपास हम रहते हैं, तो हमारा भी चिंतन स्वतंत्र नहीं है, वो समाज का दबाव है। अब वही दबाव बच्चे पर आप लाएंगे तो वो खुद जो होना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, सबका फ्यूचर भगवान ने तय किया हुआ, मैं आपको बोलता हूं सबका फ्यूचर भगवान ने तय किया है। मेरी आई से जाके पूछिए, मेरी आई ने मुझको इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अभ्यास कराया, अभी मैं वो सब छोड़कर ये काम करता हूँ। तो मेरी आई कहती है कि तेरे नसीब में यही था, तो मैंने उसको बोला फालतू इंजीनियरिंग क्यों कराया, हाँ 15 लाख रुपए खर्च हो गया और मेरा 15 साल बर्बाद हो गया। मैं 15 साल को बर्बाद नहीं करता और मान लो भजन कीर्तन करता, मान लो तात्या जी के पास आ जाता, मैं भी कुछ सीख लेता, 15 साल में तो 15,000 सभाएं होती कि नहीं, और 1 लाख कार्यकर्ता होते। तो सबका नसीब, सबका भविष्य भगवान का तय किया हुआ है और उसके आगे कोई चल नहीं सकता। तो आप ये चिंता मत करिए, आप सिर्फ इतनी चिंता करिए कि आप आई वडिल होते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधा दे सकते हैं। जैसे उसको भूखा नहीं रहना, उसको बिना पंखे के नहीं रहना, उसको तकलीफ होती है तो उसके लिए कूलर अगर चाहिए तो व्यवस्था किया, पंखा चाहिए तो व्यवस्था किया, उसको कुछ पुस्तक का आवश्यकता है तो व्यवस्था किया, उसको खेलने को बैट बॉल चाहिए तो आपने ये सुविधाएं उसको चाहिए, उस पर आप आई बाबा बात करिए। उसको करना क्या है उससे पूछिए, थोड़े दिन में वो खुद ही बताएगा मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना। अभी आपके दबाव में वो अपनी इच्छा दबा के बैठा है, वो कहता आई बोलती है डॉक्टर होना तो वो भी कहेगा हाँ हाँ डॉक्टर होना, बाबा कहते हैं इंजीनियर होना हाँ हाँ ठीक है इंजीनियर होना, थोड़े दिन में वो कहेगा ना मुझे डॉक्टर होना ना इंजीनियर होना, मुझे कुछ और होना, मुझे क्या होना, गो पालक होना, गाय का पालन करने वाला होना, तो होना है उसको। तो इसमें आप शक मत करिए, मन में चिंता भी मत करिए, आप सिर्फ सुविधाएं दीजिए उसको, होमवर्क मत करिए। क्योंकि मैंने होमवर्क बहुत किया और मैं गधा हो गया, सच में गधा हो गया। इतना होमवर्क किया मैंने, x+y² x-y² x+y³ x-y³, मेरे जिंदगी में आज तक कभी भी काम नहीं आया।
सेल्फ स्टडी के लिए आप कैसे अभ्यास कराएं, जैसे समाज चलता है ना, देश या जीवन या समाज, किसकी स्टडी करेंगे, कैसे कराएं। मैं आपको एक माहिती देता हूं, उदाहरण के लिए आपके बेटे को एक दिन पोस्ट ऑफिस में लेके जाएंगे, पोस्ट ऑफिस है वहां लेके जाएंगे, और पोस्ट ऑफिस में ABCD से लेकर XYZ तक जो कुछ होता है उसकी स्टडी करेंगे। पोस्ट ऑफिस है, एक दिन उसको रेलवे स्टेशन लेके जाएंगे, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में जो कुछ होता है ABCD से XYZ तक उसकी स्टडी करेंगे। फिर एक बार उसको नगर परिषद में लेके जाएंगे, फिर एक बार उसको म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लेके जाइए, फिर किसी मैटरनिटी होम में लेके जाइए, ABCD से लेकर XYZ, फिर किसी दिन उसको गौशाला में लेके जाएंगे, किसी दिन उसको कोई ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां पर मंद बुद्धि बच्चों की शाला चलती है, या जहां पर मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, ऐसी जगहों पर ले जाकर स्टडी करेंगे। ये जो स्टडी वो करेगा, इसमें से उसके रास्ते खुलेंगे। ये जो क्लास की स्टडी है ना, ये दुनिया की सबसे खराब स्टडी, जो हम पढ़ते हैं वो दुनिया का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी में, ना स्वीडन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना डेनमार्क में, ना अमेरिका में। हमको जो पढ़ाया जाता वो कोई नहीं पढ़ता दुनिया में। हाँ। सर्टिफिकेट के लिए इतना ही पढ़ाइए जितना सर्टिफिकेट मिलने के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ाइए। ज्यादा ज्ञान उसको दीजिए, वो समाज का दीजिए, परिवार का दीजिए, दुनिया का ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान उसके जीवन में जरूर काम आएगा और उसमें से उसके रास्ते भी निकल आएंगे। सर्टिफिकेट की एजुकेशन बिल्कुल बेकार की है, उसमें नॉलेज कुछ भी नहीं है। समाज मान्यता उतनी ही है जब तक आपके बेटे में ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक माहिती देता हूं, हिंदुस्तान में जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है उनकी डिग्री कोई नहीं पूछती। जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, संत ज्ञानेश्वर की डिग्री आपने पूछी, आपके घर में संत ज्ञानेश्वर की फोटो है तो आपने क्यों लगाई, डिग्री माहिती है आपको उनकी, फिर फोटो क्यों लगाई, उनको तो कोई डिग्री नहीं। समर्थ गुरु रामदास की डिग्री पूछी आपने, छत्रपति शिवाजी महाराज की डिग्री पूछी, शंभाजी महाराज की डिग्री पूछी, टुकड़ोजी महाराज की डिग्री, किसी की डिग्री हम नहीं पूछते, क्योंकि हम उनके ज्ञान को पूछते। जब ज्ञान की पूजा होती है तो डिग्री बेकार हो जाती है। डिग्री तब तक पूजी जाती है जब तक किसी का ज्ञान आपको पता है। किसी सामने वाले आदमी के बारे में जब आपका परिचय कराया जाता है कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए XYZ उसका नाम है और ये IIT से MTech किया हुआ है, तो तब तक के लिए महत्व का है जब तक आपको उसके ज्ञान की माहिती नहीं है। जैसे ही आपको उसके ज्ञान की माहिती हो जाती है वो डिग्री उसके लिए बेकार हो जाती है। दुनिया में किसी की भी पूजा हुई है, समाज ने किसी को भी महान बनाया है बिना डिग्री के भी। आपको और एक माहिती दूं, इंदिरा गांधी की डिग्री माहिती है किसी को, माहिती है आप में से किसी को माहिती है इंदिरा गांधी की डिग्री क्या थी? 8वीं कक्षा में फेल इंदिरा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पढ़ती थी, गुरुकुल में, 8वीं में 2 बार फेल हुई और वो भारत की 17 वर्ष पंत प्रधान रही, 17 वर्ष। अगर डिग्री से देखा जाए तो इंदिरा गांधी इस शाला में क्लर्क नहीं हो सकती, सिपाही नहीं हो सकती। ये जिस शाला में आप बैठे हैं ना, यहां सिपाही होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। इंदिरा गांधी 8वीं फेल थी और 17 वर्ष इस देश की राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, पंत प्रधान। इंदिरा गांधी की कोई डिग्री नहीं पूछता, उसने जो किया उसको सब पूछते हैं। दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को महान देखना चाहते हैं जिसको सब पूछे, तो उसकी डिग्री पे चिंता मत करिए, उसके ज्ञान की चिंता करिए। ज्ञान हमेशा डिग्री से बड़ा होता है, डिग्री कोई महत्व की नहीं है जब ज्ञान बड़ा होता है। ये सारी दुनिया में होता है। है? उसकी डिग्री क्या थी? धीरूभाई अंबानी की डिग्री 9वीं फेल, कक्षा 9 में फेल हुआ,
उसके बाबा ने स्कूल से निकाल लिया और कहा ये पढ़ेगा नहीं। तो उसको पूछा तू क्या करेगा, तो उसने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। तो क्या करेगा, तो उसने कहा मुझे नौकरी करने की है। तो ठीक है, तो उसके बाबा के एक दोस्त के पेट्रोल पंप पे उसको नौकरी के लिए रखा धीरू भाई अंबानी को। तो पेट्रोल भरता था वो गाड़ियों में, एक शहर है गुजरात में जूनागढ़, वहां पे पेट्रोल भरता था। और वो पेट्रोल भरने वाला आदमी आज हिंदुस्तान में 3,00,000 करोड़ के एम्पायर का मालिक, जो 9वीं फेल। और उस धीरू भाई के नीचे काम करने वाले बड़े बड़े पीएचडी, एमटेक, एमबीए लोग हैं, वो अंगूठा छाप था, उसके नीचे सब पीएचडी करने वाले काम करते हैं नौकर के रूप। घनश्यामदास बिरला का नाम जानते हैं, बिरला एम्पायर, 4वीं फेल थे, 4 क्लास में फेल हो गए, स्कूल छोड़ दिया, बिजनेस में लग गए और आज उनका पूरा साम्राज्य 2,00,000 करोड़ का है, बिरला ग्रुप। ऐसे ही आपने उनका नाम सुना जमशेदजी टाटा, ये अपने सचिन भाई काम करते हैं इंडिका में, इनके मालिक जमशेदजी टाटा एक भी क्लास पढ़ने नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, उनको घर में एक टीचर पढ़ा के गया, स्कूल नहीं गए। और आज उनका एम्पायर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर का सबसे बड़ा एम्पायर, 5,00,000–5,50,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो दुनिया में डिग्री लेकर पढ़कर कोई बहुत महान हुआ है, ऐसे कहानी आप सुनाएंगे तो 2-4 है, बिना डिग्री लेके इतने ऊंचे हो गए वो सैकड़ों। पुणे में आप जाइए, किर्लोस्कर कंपनी है ना, इसके मालिक की ये माहिती ले लीजिए, किर्लोस्कर कंपनी का जो मूल स्थापक है वो 5वीं पासी। तो ज्ञान की दुनिया में चर्चा है और ज्ञान से आपने जो हासिल किया उसकी चर्चा है, डिग्री का कोई महत्व कभी भी किसी समाज में रहा नहीं। डिग्री का महत्व है सिपाही होने के लिए, क्लर्क होने के लिए। कारकुन एक शब्द जानते, कारकुन मराठी का शब्द है, डिग्री चाहिए कारकुन होने के लिए। तो कारकुन बनाना है अपने बच्चे को तो डिग्री पर ध्यान दीजिए, और उसको साइंटिस्ट बनाना है या समाज में ऐसा स्थान दिलाना है जिसकी सब इज्जत करें तो ज्ञान पर महत्व दीजिए। ज्ञान बड़ा है, डिग्री कभी बड़ी नहीं। मेरी बात माने तो मत भेजिए, सुनिए, अगर मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मत भेजिए इसको। आप बोलेंगे फिर क्या करेंगे, मैं आपको बोलता हूं वो बहुत बड़ा करेंगे। आप स्कूल मत भेजिए, अपने घर में सिखाइए उनको। क्या सिखाएं, गणित सिखाइए। क्या गणित सिखाएं, जोड़ घटाना गुणा और भाग, बस ये 4 चीज सिखाइए गणित। जोड़ना सीखें, घटाना सीखें, गुणा करना सीखें, भाग करना सीखें, इतना गणित सिखाइए। और ये जो प्रकृति पूरी आपको दिखाई देती है, पूरा ब्रह्मांड, इसके बारे में माहिती दीजिए उनको जास्ती से जास्ती। गाय है, खेती है, गौ पालन है, खेती है, फिर उद्योग है, व्यापार है, इसकी माहिती दीजिए उसको भरपूर। फिर ब्रह्मांड की, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इसकी माहिती दीजिए। फिर चिकित्सा की माहिती दीजिए, फिर भागवत के सूत्र उनको सिखाइए। मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी शाला से पढ़े हुए विद्यार्थी को वो हमेशा बीट कर देंगे। हाँ, वो आ जाएगा। मैंने तात्या जी को कहा करवड़ी में गुरुकुल शुरू कर दीजिए, तो जैसे ही वो गुरुकुल शुरू होगा मैं अभ्यासक्रम की पुस्तक दे दूंगा और वो अभ्यासक्रम की पुस्तक के आधार पर आप वहां उनको पढ़ा सकते हैं। और इसमें सब व्यसनमुक्त युवक संघ के परिवार के बच्चे पढ़े और फिर दुनिया के सामने आप आदर्श प्रस्तुत करें कि देखो हम स्कूल नहीं गए और हमको उन सभी से ज्यादा ज्ञान है जो स्कूल से पढ़कर आए। बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा कि 10वीं की परीक्षा उनको हम दिलवाएंगे सीधे, शाला नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, 10वीं की परीक्षा उनको दिलवाएंगे, ठीक है, और वो सब उसमें से टॉपर होके निकलेंगे बिना शाला और स्कूल। क्योंकि 10वीं की परीक्षा में जितनी माहिती चाहिए वो 6 महीने में हम उनको करा सकते हैं, मात्र 6 महीने में, और 10वीं में वो 90% लेके आ जाएंगे। फिर 12वीं की परीक्षा दिलवाएंगे तो सर्टिफिकेट तो हो गया, लेकिन उनके 10 साल बचाएंगे जो स्कूल में वो बर्बाद कर रहे थे।
और उस 10 साल में यहां हम उनको इतना ज्ञान दे देंगे जो उनके अगले 30 साल तक काम आए। ये मेरी योजना है कि गुरुकुल के सब विद्यार्थियों को सीधे 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा सीधे कराएंगे और 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए 6 महीने का अभ्यासक्रम पढ़ा के उनको परीक्षा में पास करा लेंगे और बहुत अच्छे नंबर से वो पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जो 10वीं और 12वीं है ना, इसमें मार्क्स कैसे लाना ये मुझे मालूम है। हाँ, उसमें ज्ञान की खुद जरूरत है। बहुत आसान है उसमें मार्क्स ज्यादा लाना, वो ट्रिक से होता है, ट्रिक। हाँ, मैथमेटिक्स में ट्रिक्स है, फिजिक्स में ट्रिक्स है, केमिस्ट्री में, वो ट्रिक्स उनको मैं एक दिन में ही बता दूंगा सब। तो वो जब बैठेंगे परीक्षा में तो 3 घंटे का प्रश्न पत्र 2 घंटे में करके निकल आएंगे। इतनी ट्रिक्स हैं, यही ट्रिक्स हैं जो वो 10 साल में सीखेंगे, मैं उनको 1 महीने में सिखा दूंगा। मेरा ये कहना है कि उनका 10 साल बचाना, क्यों फालतू में बर्बाद करना 10 साल। वो 10 साल में तो ज्ञानेश्वरी पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो दासबोध पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो ऋग्वेद पढ़ डालेंगे, क्योंकि ऋग्वेद पढ़ने में 40 साल लगता है, और 10 साल में तो ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद चारों पढ़ डालेंगे, उपनिषद 18 पढ़ डालेंगे 10 साल में। तो इतना ज्ञान हो जाएगा, ये CBSE तो कुछ भी नहीं उनके लिए, ICSE कुछ भी नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड तो कुछ भी। तो मेरा ये है प्लानिंग कि करवाड़ी का गुरुकुल शुरू हुआ तो इसके विद्यार्थियों को 10वीं की परीक्षा देके, 12वीं की परीक्षा देके, बस 2 परीक्षा दिलवा के बाकी 12 साल उनको ज्ञान सिखाना। तो कभी जरूरत पड़े तो सर्टिफिकेट है, बाकी तो ज्ञान है ही अपने पास। और सर्टिफिकेट कौन सा देखा जाता है, 10वीं का ही ना, 12वीं का, 8वीं का कोई देखता है, 7वीं का कोई देखता है, 6वीं का कोई देखता है, तो काय को मगजमारी करना जब कोई देखता ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर। मेरा ये कहना है कि मैंने जिंदगी में जितना समय बर्बाद किया दूसरे बच्चों का नहीं होना चाहिए। मेरे 15 साल बर्बाद हुए इसकी मुझे बहुत कसर, क्योंकि अभी मैं जो काम करता हूं ये तो मैंने वो सीखा है जो डिग्री वालों ने नहीं सिखाया। ये चिकित्सा तो मुझे डिग्री वालों ने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय स्वाध्याय करके सीखी। खेती मुझे उन्होंने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय से सीखी। तो जो स्वाध्याय से सीखा वो काम आ रहा है, डिग्री वाला तो कभी काम नहीं आया मेरे, तो उनके भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो अभ्यासक्रम बना रहा हूं उसमें 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं देने का, बाकी 11 साल जो है आप उसको जहां इच्छा हो शाला में भर्ती कराओ, और वो बोलती है शाला अच्छी नहीं तो बाहर निकालो, फिर उसको करवड़ी भेज दो। गुरुकुल अभी शायद अगले साल से शुरू हो जाएगा, थोड़ा उसकी बिल्डिंग बनवा दो भाई लोगों, जिंदगी का थोड़ा पैसा निकालो, सब लोग 10-10% पैसा निकाल के करवड़ी का गुरुकुल बना दो, बोलो। तो घर में आप उसको कुछ ऐसा ज्ञान सिखाओ जिसमें उसका रस है। शाला में शायद उसको रस नहीं होगा, क्योंकि शाला में कुछ ज्ञान सिखाते नहीं है, फालतू बातें बहुत सिखाते हैं शाला में, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो ज्ञान तो दूसरी जगह है, जैसे संगीत का अभ्यास कराओ, संगीत का सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे तो गायन, चाहे तो वादन, चाहे तो नृत्य, तीनों में से कोई भी एक संगीत का अभ्यास कराओ। पेंटिंग का अभ्यास कराओ, चित्रकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, काष्ठकला का, ऐसे अभ्यास उसको आप कराना शुरू कर दो, वही उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई है। और थोड़ा ज्ञानेश्वरी वगैरह उसके सूत्र सिखाओ, दास बोध के सूत्र सिखाओ, और बाद में वो सिलेबस आ जाएगा उसको आप पढ़ाओ। मैंने ये प्रयोग कर लिया है तब मैं बोल रहा हूं, हमने एक स्कूल चलाया है उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तर प्रदेश नहीं है, एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड, वहां पे एक शहर है मसूरी, वहां पे हमने एक स्कूल चलाया, गुरुकुल है, वो सभी फेल बच्चों के लिए चलता है, पास बच्चे वहां नहीं लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं ना उनकी भर्ती करते हैं, 7वीं फेल, 8वीं फेल, और जो 2 बार फेल है उसको सबसे पहले लेते हैं। हाँ, हमारा नियम है वहां का। वो स्कूल चलाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं, उसका नाम है संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी आप जानते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र संदीपनी, उनके नाम से वो गुरुकुल है।
तो वहां पर हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं? वहां पर कोई कमरा नहीं है, खोली नहीं, और गुरुकुल है। बिना खोली के गुरुकुल कैसे? तो झाड़ के नीचे क्लास लगती है। और क्लास कैसे लगती है? मान लो एक दिन हम पढ़ाई शुरू करते हैं पानी के बारे में, पढ़ाई करना पानी, तो पानी का ABCD से लेकर और XYZ तक उनको पढ़ाते। पानी क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, पीने के लिए कैसे वापरना, नहाने के लिए, सब 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 माहिती उनको देते। फिर जब पूरी माहिती हो जाती है तो एक क्लास खत्म होती है। वो एक क्लास 3 महीने चल सकती है, 4 महीने चल सकती है, 5 महीने चल सकती है। पीरियड्स नहीं होते, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट, ये नहीं। सवेरे से चालू हुआ, दोपहर तक चला, जब भी भूख लगी क्लास बंद हो गई, भोजन किया, विश्राम किया, फिर उठ गए, फिर क्लास चालू। पीरियड्स नहीं होते। सवेरे जो विषय लिया शाम तक वही चलता है, अगले दिन भी चलता है। 5-7 दिन 10 दिन में विषय जब पूरा होता है तब उन बच्चों की परीक्षा होती है। अब परीक्षा कैसे होती है? तो परीक्षा ऐसे होती है कि उनको होमवर्क दिया जाता है या टास्क दिया जाता है कि भाई पानी के बारे में तुमको जितना भी ज्ञान हुआ है अब इसके आधार पर परीक्षा होगी आपको। तो परीक्षा में ऐसे ही उनको काम दिया जाता है। जैसे किसी गांव का तालाब है, अब उस तालाब के पानी की समस्या है, पानी वहां पर रुकता नहीं है या बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी किसे बाढ़ आ जाती है या बारिश नहीं होती है, तो ये समस्या लेकर आपको समाधान करना, पानी के बारे में उनको सब माहिती है। तब वो गांव में जाते हैं, गांव के शेतकरी के साथ बात करते हैं, तालाब की क्या समस्या है उस पर बात करके तालाब को ठीक करते हैं, ठीक करके गुरुकुल में वापस आते हैं, तब उनको माना जाता है कि ये पास हो गए। और नहीं कर पाए समस्या का समाधान तो फिर दोबारा उनको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, फिर वही समस्या उनको दी जाएगी, फिर उसका समाधान नहीं करेंगे तो तीसरे गांव में, ऐसे चलता रहेगा। फिर एक विषय पूरा हुआ पानी का, अब दूसरा विषय आ जाएगा, वो विषय किसका आएगा? खेती का आ गया या मिट्टी का आ गया, ऐसे विषय होते हैं। और जब वो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो वो सबसे पहली बात होती है कि घर नहीं जाते। वो बोलते हैं हमको घर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? वो कहते घर में मजा नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता? आई बाबा दबाव डालते हैं, ऐसा करना वैसा नहीं करना, ऐसा करना वैसा नहीं करना। गुरुकुल में उनको कोई दबाव नहीं, जो उनके दिल में आए वो करना, तो घर नहीं जाते। फिर आई बाबा परेशान होते हैं कि आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया, ये तो हमसे दूर भाग गए। तो हमने कहा आप सोचो ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, आपने इनको पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया, फिर ये आपके पास क्यों नहीं आना चाहते और हमारे पास क्यों रहना चाहते हैं? तो उसका एक ही कारण है कि हम उनको अपमान नहीं करते, हमेशा सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान मिले, दबाव नहीं डालते। तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार होते हैं ना, तो आप उनसे पानी के बारे में कोई भी एक सवाल पूछो, दुनिया के किसी प्रोफेसर को उसका जवाब नहीं मालूम, वो जानते हैं, क्योंकि पानी के बारे में सब माहिती उनको है। अब पानी के बारे में माहिती है तो पानी की समस्या जब भी देश में आएगी उसका समाधान वो करें। ऐसे ही हम उनको जंगल में लेके जाते हैं तो जंगल में उनको अभ्यास दिया जाता है, देखो झाड़ है, हाँ है, ये झाड़ देखो कौन सा है, ये झाड़ ऐसा है, ये झाड़ ऐसा, फिर इस पर देखो पक्षी कौन सा बैठा हुआ है, ये पक्षी इस झाड़ पर, वो पक्षी इस झाड़ पर, फिर पक्षियों का अभ्यास कराते हैं। कौन सा पक्षी किस झाड़ पर बैठता है, इसी पर क्यों बैठता है, दूसरे पे क्यों नहीं जाता, वो पक्षी कब सुबह निकलता है, कब शाम को वापस आता, संपूर्ण माहिती उनको हो जाती है। फिर किसी जूलॉजी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं बच्चों के बीच में, फिर उसको प्रश्न करते हैं और बच्चों को प्रश्न करते हैं, प्रोफेसर जवाब नहीं देता, बच्चे जवाब देते, प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूंढता है और बच्चे फट 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 मुंह से बोलते हैं, तो वो कहता है कि ये तो मेरे भी गुरु हैं, वो भाग जाता है प्रोफेसर, क्योंकि उसको पुस्तक का नॉलेज है, इनको जिंदगी के सामने से आया हुआ नॉलेज, ऐसा अभ्यास। अब ये अभ्यास करने के बाद ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जैसे ही निकलते हैं हर जगह इनको बुला लेते हैं सरकार के लोग। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये हमारा स्कूल 10 साल से चलता है, 10 साल में लगभग 1340 बच्चे वहां से निकले पढ़कर, एक भी बेरोजगार नहीं है इस तरह, एक भी बेरोजगार नहीं, सबके पास कम से कम 10 से 15 हजार रुपए मासिक की पगार वाली नौकरियां हैं,
डिग्री किसी के पास नहीं। तो आप बोलेंगे नौकरियां कहां मिली हुई हैं, हार्बेरियम में नौकरियां हैं, म्यूजियम में उनको नौकरियां हैं, जहां पर जीवित हार्बेरियम और म्यूजियम होते हैं वहां पर उनको नौकरियां हैं, क्योंकि नॉलेज उनके पास है। और दुनिया में बहुत सारी नौकरियां नॉलेज बेस्ड हैं, डिग्री से उनका कोई संबंध नहीं। बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए लड़के जब इनके प्लांट में आते हैं ना टाटा इंडिका में, तो उनको नीचे वाले सिखाते हैं पूछो, क्योंकि इनको ज्यादा माहिती है, जो आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, और वो इंजीनियरिंग वाले उनको कुछ आता नहीं। असेंबली लाइन पर खड़ा कर दो तो गुड़ का ढोबर कर देंगे, वो कार बनानी है उसको खड्डे में डाल देंगे, उनको अलग से सिखाना पड़ता है। क्यों सिखाना पड़ता है? डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के लिए काम सिखाना पड़ता है, तब जाके वो काम करते। तो जब नॉलेज देना ही पड़ता है तो शुरू से क्यों नहीं दे, बाद में देना है इतना टाइम वेस्ट करके। तो अपने को एक ऐसी शिक्षा पद्धति लानी है जो ज्ञान आधारित है, डिग्री आधारित नहीं। ज्ञान पहले है, डिग्री बाद में, मिले डिग्री तो ठीक, नहीं तो ज्ञान तो है अपने। हाँ है, अभी बनवा लिया, ऐसा नियम बन गया है कि सीधे दसवीं की परीक्षा देना, बीच में कोई परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं। नहीं, उनको छह महीने में करा देंगे उतना, मुझे मालूम है प्रश्न क्या आने वाले हैं, वो तो मुझे मालूम है, अक्षर बंधन है। लेकिन अक्षर बंधन में क्या है ना, हर साल परीक्षा दिलवाते हैं, और वो वही परीक्षा है जो सरकार ने दे, हाँ फिर आठवीं नौवीं दसवीं में करवाते हैं, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया। और अक्षर बंधन में कोशिश वो करते हैं, लेकिन हम तो बिना खोली के ही पढ़ाते, खोली है ही नहीं हमारे गुरुकुल में, खोली है ही नहीं, बस ऐसे झाड़ हैं उनके नीचे सब पढ़ाई होती है। क्योंकि खोली में पढ़ाई जो है ना वो बहुत बकवास है। खोली में पढ़ाई कैसी होती है, बेंच है, सभी उस पर बैठेंगे, ठीक है, अभी क्यों बैठना बेंच पे हमको माहिती नहीं, बच्चों को हम बिठाते, बच्चों को बैठने का अभ्यास नहीं होता। अगर आप उनको जबरदस्ती बिठाएंगे ना तो 10-20 मिनट में वो बोर हो जाएंगे, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे देखेंगे वैसे, क्योंकि उनको ये अभ्यास नहीं है बैठने का। और आपने मार मार के बैठेंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन, बैठ बैठ बैठ, तो बेचारा जो कूदने वाला आदमी है, भागने वाला आदमी है, उसको 6 तास पकड़ के बिठा दिया आपने, गोबर गणेश। अब क्या करेगा वो, हर एक टीचर आ चुप, एक भी टीचर घुसेगा चुप, अरे चुप क्यों रहना उसको भाई, वो तो बोलने के लिए पैदा हुआ है, चुप होने के लिए नहीं है। एक भी टीचर घुसेगा चुप, कीप साइलेंट, चुप रहो, बात मत करो, आपस में बात मत करो, वो बात नहीं करेगा तो उसकी मैत्री नहीं होने वाली एक दूसरे से। तो हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं, और दुनिया के सबसे मूर्ख हैं टीचर जो उनको सिखाने के लिए जाते हैं, खुद को कुछ माहिती नहीं है, बच्चों को जबरदस्ती वो सब करा। अभी देखिए एक और समस्या है, बेंच है ना, बेंच या क्लासरूम, तो वो कैसा है, ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, माने वर्गाकार है या तो आयताकार, रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, इसमें सभी स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन है। जिंदगी में क्लासरूम को छोड़कर कहीं भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं, पूरे जीवन में नहीं है, कहीं बता दो मुझे, झाड़ स्ट्रेट लाइन है, पहाड़ स्ट्रेट लाइन है, नदी स्ट्रेट लाइन है, विहीर स्ट्रेट लाइन है, कैनाल स्ट्रेट लाइन, कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है जीवन में, तो आप क्यों जबरदस्ती उसको स्ट्रेट लाइन में फंसा रहे। अच्छा मैं एक और माहिती देता हूं, हमारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? अच्छा, गांव में कौन सी चीज स्ट्रेट लाइन में है, गांव की गली ऐसे है ना, है कि नहीं? और मैं आपको माहिती देता हूं,
कि जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनमें कभी भी प्रेम और भाईचारा हो नहीं सकता, और जो ऐसी ऐसी गलियों में रहते हैं वो सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। गांव में एक मीटिंग बुलानी है, सब लोग आ जाएंगे आधा घंटे में, शहर में बुला के देखो, और वो भी किसी अपार्टमेंट में बुला के देखो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है, हमेशा काटेगी ही। इसलिए स्ट्रेट लाइन में गांव का कोई घर नहीं बनाया जाता। गांव के घर वैसे होते हैं जैसे झाड़ नदी पहाड़ होते हैं। झाड़ टेढ़ा मेढ़ा है, घर भी टेढ़ा मेढ़ा है, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी गांव की गली भी टेढ़ी मेढ़ी है। प्रकृति जैसी है वैसे गांव होते हैं, तो इसलिए गांव में प्रकृति जैसा प्रेम भाईचारा है, और शहर जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए दुनिया के हर शहर में मारामारी और काटाकाटी सबसे ज्यादा, और गांव में प्रेम और सद्भाव सबसे ज्यादा। तो हम बच्चे को कहां भेज रहे हैं? क्लासरूम में, वो स्ट्रेट लाइन है, सत्यानाश हो रहा है उसका, और रोज 6 घंटे मार मार के बिठा रहे, चुप बैठ, बात मत कर, इसको मत दे, उसको मत दे। उसके लिए आपने जेल बना दिया, स्कूल नहीं है, जेल है। और जब छुट्टी होती है ना, कैसे भागते हैं बच्चे, जैसे जेल से छूटे। पूछो ना इन बच्चों, क्योंकि उनको 6 घंटे त्रासदायक आपने पकड़ के रखा। बेचारे वो बैठना नहीं चाहते, वो तो खेलना कूदना उछलना सब उनका काम वही है, आपने पकड़ के बिठा लिया, फिर 6 घंटे बाद टन 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 घंटी ऐसा तेज भागेंगे जैसे जेल में से भागे हैं। और किसी भी बच्चे के दिल को पूछो, कल शाला जाने का है? नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? त्रास है उसको, मानसिक त्रास है। आप घर में देखो, बच्चे स्वतंत्र हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, सो जाते हैं, खा लेते पी लेते। ऐसी ही शाला होनी चाहिए जैसा घर, तब तो वो जाएंगे, नहीं तो थोड़े दिन के बाद बोर होके वापस आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि जो बोर नहीं हुआ वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप क्लासरूम में बैठ गया, टीचर ने जैसा कहा उसने लिख लिया। आप कहेंगे बड़ा अनुशासन वाला है, बहुत होशियार है, सत्यानाश उसका हो गया दिमाग का, आप कह रहे हैं बड़ा होशियार है। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे गाय के बछड़े का। गाय का बछड़ा है ना, आप उसको बांध के रखो, कितना त्रास है उसको, और छोड़ के रखो, कितना खुशी से इधर भागेगा उधर भागेगा, फिर अपनी आई के पास वापस आ जाएगा, फिर भाग के जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो भागेंगे दौड़ेंगे, फिर आई के पास आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये जो उनका विकास है, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। ये स्कूल नहीं दे सकता, ये घर में हो सकता है थोड़ा, नहीं तो गुरुकुल में हो सकता है, ऐसा गुरुकुल जहां डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाता, तो वैसा गुरुकुल बन जाए। ऐसा मैं इन लोगों से कई साल से बोल रहा हूं, करवड़ी में कर लो, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी बहुत और ले लो, सब लोग 10-10% अपने पैसे निकालो, क्योंकि ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं रखना, हाँ अच्छा नहीं है। देखो, ज्यादा पैसे अपने लिए रखोगे तो पाप होगा, और पाप के भागीदार आप सब। अपने लिए कम से कम रखना, समाज के लिए ज्यादा रखना। तो गुरुकुल बना लो, अच्छे से बना लो, मैं उसमें टीचर हो जाऊंगा और आपको टीचर बनाऊंगा, फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर एक गुरुकुल से 2, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे पूरे महाराष्ट्र में खोल देंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं सब स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारे गुरुकुल अगर शुरू हो गए तो सब शाला बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सब भागकर यहीं आएंगे, वो अपने आई बाबा को कहेंगे वहां जाने का, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई माने सीखना, ज्ञान लेना, और उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का माने ये नहीं है ABCD, पढ़ाई का माने ये नहीं है काखा गाढ़ा, ये तो अक्षर ज्ञान है, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है वो पढ़ाई का हिस्सा। तो वैसा एक करें तो सही शिक्षा इनको मिले। ऐसी ही शिक्षा में राम कृष्ण पढ़े थे। राम तो पता है गुरुकुल में ही गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए,
और कृष्ण और राम के बाद के सारे हिंदुस्तान के महान लोग गुरुकुलों से ही निकले, तो गुरुकुलों से निकले हैं इसमें सारे महान लोग, तो आगे फिर निकलेंगे क्योंकि वहां ज्ञान आधारित पढ़ाई थी, डिग्री आधारित पढ़ाई हमारे देश में कभी रही नहीं। ये अंग्रेजों के यहाँ की डिग्री आधारित पढ़ाई, वो जब भारत में आए तो उन्होंने वही पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर दी, अब वो चले गए, हमने वो आज तक बदली नहीं है, वो वैसे ही चल रहे। तो आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप ऐसे ही अभ्यास कराइए जैसी मैं माहिती दे रहा, जबरदस्ती शाला भेज के अभ्यास करा के कुछ लाभ नहीं है। वो कभी कहे शाला नहीं जाने का, तो बोलिए ठीक है नहीं जाने का, घर में रहने का, क्या करना है शाला, उनको प्रोत्साहित करने का। अभी वो शाला नहीं जाएंगे तो आई बाबा मार मार के उनको शाला भेज के आए, क्यों नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा, अरे पास होके क्या करने वाला है, जो फेल होने से आप डर रहे हैं, कभी मत डरिए। मेरा तो ये मानना है जो बच्चे फेल हो गए वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब नहीं हुआ अभी, जो हाँ जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल गए, किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो x प्लस वाई होल स्क्वायर ही पढ़ेंगे, उनको बाकी कुछ आएगा ही। इसलिए फेल होने से घबराइए मत, ज्यादा पास होने का दबाव डालिए मत, ज्यादा अंक लाने का दबाव डालिए मत, क्योंकि नंबर से डिग्री से दुनिया में कभी भी कुछ हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा अभी हो गया, अभी मुझे जो है एक व्याख्यान में जाना है पलटन, अभी 7 बज गया है, ज्यादा देर में अब नहीं रुक सकता, वो दे दूंगा, आप एक बार शुरू करो।